All right, let's start. We'll be starting with April 23. Kitne questions hai? 4. Theek hai. Read karo. Pehla question. Start karo, I'll just open my R Studio. सो पार्ट वन क्या बोल रहा है? सिम्युलेट 10,000 वैल्यूज फ्रॉम नॉर्मल यूजिंग आर कमांड, शुड सेव इट फॉर लेटर यूज. तो इसमें दे हैव नॉट गिवन एनी सीड वैल्यू. वील टेक, वील अज्यूम वन ऑफ द सीड वैल्यूज ताकि इजी हो जाए फॉर अस टू मैच आवर आंसर्स. सो यू कैन यूज सीड वैल्यू 2024. ठीक है. एंड मे बी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल रहे हैं. सो नॉर्म डॉट एक्स में वी विल स्टोर आर नॉर्म. ठीक है. हाउ मेनी वैल्यूज? 10,000 0,1. नहीं भी लिखते तो चलता बिकॉज बाई डिफॉल्ट 0,1 ही होता है. राइट. नेक्स्ट इज सिमुलेट 10,000 वैल्यूज फ्रॉम काई स्क्वेर 4 यूजिंग आर कोड एंड सेव इट फॉर लेटर यूज. अगेन काई स्क्वेर डॉट एक्स. कौन सा फंक्शन? आर काई स्क्वेर 10,000 कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 4. देन डिस्कस द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फॉर सिम्युलेटिंग वैल्यूज फ्रॉम अ काई स्क्वेर डिस्ट्रीब्यूशन. सो सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड व्हाट डू? यू यूज द CDF. एंड हम लोग क्या करते हैं? जैसे fx है तो 1 - fx इज इक्वल टू यू, या फिर fx इज इक्वल टू यू आप करते हो एंड आप x का वैल्यू निकालते हो फॉर अ गिवन रैंडम नंबर u, विच इज बिटवीन 0 एंड 1. अब काई स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है कि काई स्क्वायर का आप लोग टेबल बुक देखो तो उसका क्लियर CDF हमें नहीं दिया हुआ. ठीक है. सो यू डोंट हैव अ एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इस वजह से हम लोग को डिफिकल्टी होगा टू इन्वर्टिंग द CDF. क्लियर? तो आप ये पूरा समझा दोगे. नेक्स्ट इज सिमुलेट 10,000 वैल्यूज फ्रॉम T4 using your answer in part 1 and 2, explaining your answer. So using these two, हम लोग को T4 निकालना है. So what is the relationship between chi square, T distribution and a standard normal distribution? कोई बता सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? हाँ बोलो. स्टैंडर्ड नॉर्मल बाय स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर के बाय के. स्टैंडर्ड नॉर्मल बाय स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर बाय काई स्क्वायर के बाय के. काई स्क्वायर के बाय के. ये आप लोगों का कहाँ पे दिया हुआ है? बोलो कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने ये? चैप्टर 7 में पढ़ा है सबने ये फॉर्मूला. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे तो आप लोग ना इसको एक्सप्लेन करने बोला इन्होंने. सो यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला कि यूजुअली हम जेड लिखते हैं फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो जेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ काई है ना, तो काई स्क्वायर या फिर आप कुछ और वेरिएबल ले लेना काई स्क्वायर के बदले, इट्स द सेम थिंग. काई स्क्वायर विथ 4 degrees of freedom डिवाइडेड बाय
फोर। तो आप लोग एक्सप्लेन कर देना ओवर हियर दिस, या फिर उसके बदले कोई अलग रैंडम वेरिएबल ले लो, बाय फॉलो स्काई स्क्वायर फोर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे लिख देना। नाउ आप लोग के पास है तो हम लोग को टी डिस्ट्रीब्यूशन के एक्स वैल्यूज चाहिए, सो टी फोर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, वी हैव दिस इन नॉर्म एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, वी हैव दिस इन काई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय फोर, देख लो दिस इज हाउ, एंड यू कैन मे बी चेक द फर्स्ट फ्यू वैल्यूज, इफ यू हैव रन द सेम सीड एज आई हैव डन, यू विल गेट द सिमिलर आंसर्स। नेक्स्ट बोल रहे हैं सिमुलेट 10,000 वैल्यूज, हाँ बोलो। हम इसमें इंडिपेंडेंट का लिखना है कि काई स्क्वायर फोर एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल इंडिपेंडेंट है, तो ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, अजम्पशन लिख सकते हो, काई स्क्वायर एंड नॉर्मल इंडिपेंडेंट है। सिमुलेट 10,000 वैल्यूज फ्रॉम T20 बाय मॉडिफाइंग योर आर कोड फ्रॉम पार्ट वन, तो सारे चीज दोबारा से हम लोग को निकालना है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा नहीं चाहिएगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला सेम रहेगा। व्हाट वी नीड इज जस्ट काई स्क्वायर को हमें चेंज करना है, क्योंकि T20 बोला है ना, सो T20 के लिए यू नीड काई स्क्वायर 20 ले लो इधर, एंड इधर पे आप 20 कर दो, ये खाली आपको चेंज करना है, बाकी आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला एज इट इज रहेगा, देर विल बी नो चेंज इन दैट, जस्ट मेक श्योर यू टेकिंग करेक्ट वैल्यूज ओवर हियर, ये हो गया एंड दिस, सो क्विकली मैच द आंसर्स एंड देन डेमोन्स्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डी डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेजेंटिंग एंड कंपेयरिंग द टू अप्रोप्रिएट प्लॉट्स फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ। सो वी कैन मेक अ हिस्टोग्राम बिकॉज वी हैव 10,000 सिमुलेटेड वैल्यूज, सो वी कैन मेक अ हिस्टोग्राम एंड यू कैन प्लेस इट साइड बाय साइड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट दैट टू हैपन। सो बिकॉज कंपेरिजन बोला है, उसके लिए हम पार एम एफ रो वन, आई नीड वन कॉलम एंड टू रोज, नहीं उल्टा, ये तो वन, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, वन रो टू कॉलम्स, हाँ ठीक है, एंड देन यू हैव हिस्ट ऑफ, वी हैव टी फोर, टी फोर डॉट एक्स, इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर देंगे, ये हमने रन नहीं किया क्या, पार एम एफ, अच्छा हाँ हाँ ये ऐसे होगा, सॉरी, सो यू हैव दिस, ठीक है देख लो, दिस इज टी फोर का वैल्यूज एंड इफ यू हैव टेकन द सेम सीड योर आंसर्स माइट मैच अदरवाइज इट विल नॉट एंड दिस। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये बताओ, सिमेट्रिकल, कैसे मतलब, यू कैन नॉट जस्ट से सिमेट्रिकल ना, एक्सप्लेन इट। मैम जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच करती वेरी गुड वेरी गुड यतीश, व्हेन यू इंक्रीज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर योर टी डिस्ट्रीब्यूशन इट टेंड्स टुवर्ड्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तभी देखना जब हम लोग के टेबल बुक में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज सिमिलर जो लास्ट के वैल्यूज होते हैं वेर योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टेंड्स टू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी एंड उसके ऊपर 40 या 20 का होता है, तो दैट इज सेम एज योर जेड वैल्यूज। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टूवर्ड्स स्टैंडर्ड नॉर्मल, खाली नॉर्मल नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेन योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल इंक्रीज। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलू, मैम रूम टू, 1.5 घंटा है, ठीक है, हाँ बोलो मैम, इसमें प्लॉट फंक्शन क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि हमने हिस्टोग्राम यूज किया मैम, ये चीज प्लॉट से भी तो कर सकते थे। प्लॉट प्लॉट से आप बार्स बनाते हो, आपकी आप हिस्टोग्राम से बनाते हो, मैम हिस्टोग्राम से, फिर आपके पास 10,000 सिमुलेटेड वैल्यूज है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करना प्रेफर, यू कुड हैव यूज्ड अ प्लॉट फंक्शन, उससे आप लाइन चार्ट बना सकते थे, बट लाइन चार्ट विल नॉट
गिव यू अ बेटर रिजल्ट कंपेयर टू अ हिस्टोग्राम ना. हम सिमुलेशंस में यूजली हिस्टोग्राम ही बनाते हैं अभी तक हमेशा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ सैम्पल ऑफ 1000 इंश्योरेंस पॉलिसीज. फॉर ईच पॉलिसी देर इज अ रिकॉर्ड वेदर द पॉलिसी होल्डर हैज सबमिटेड एटलीस्ट वन क्लेम ड्यूरिंग द लास्ट 6 month पीरियड. एटलीस्ट वन क्लेम उसने किया है कि नहीं ड्यूरिंग द लास्ट 6 month. द एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द, ये हम लोग को सब कुछ गिवन है. द नंबर ऑफ पॉलिसीज विथ वन और मोर सबमिटेड क्लेम इज मॉडल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल. तो बाइनोमियल ये हो गया आपके नंबर ऑफ क्लेम्स 1000, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लेम. ठीक है, सो दिस इज एक्स इज वॉट, एक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ पॉलिसीज जिसमें एक या एक से ज्यादा क्लेम्स आए हैं. ठीक है, x इज नॉट द नंबर ऑफ क्लेम्स, x इज द नंबर ऑफ पॉलिसीज. स्टेट द अंडरलाइंग अजम्पशन दैट लीड टू द चॉइस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. कौन बताएगा ये आंसर? इट्स अ 2 mark क्वेश्चन. बोलो. p रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द, वेरी गुड, वेरी गुड अजम्पशन. p शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, p इज द प्रोबेबिलिटी of making a claim. So the probability of making a claim should remain constant for, you can also give the duration, 6 month period hi diya inhone. So for a 6 month period and at the same time it is same for all the policy holders. So p ka aapko do cheez bolna hai ki p is constant for the entire 6 months, ki p change nahi ho raha, probability of having a claim, and it is same for all the 1000 policy holders that you have. Aur kya assumption hai, ek do assumptions hote hain isme, ma'am, are independent hai. Very good, the policy holders are independent of each other. So n ka assumption hota hai and p ka, n ka assumption hota hai, all the n, jaise hum kya bolte hain, when you do a dice throw, to aap bolte ho each throw is independent of each other. So if I'm throwing a die for 100 times, probability of getting a 6 is 1/6. So each throw is independent of each other. And the probability of getting a 6 in each throw is also constant. So p is constant during the entire 6 month period, and it is same for all the throws, matlab all the policy holders, and all the policy holders are independent of each other. Theek hai, these two are the basic assumptions for binomial. Use the command load, ye wala hum log data frame le lete hain, chalo cs1 policies. To aapka isme hai, isko main idhar le jaati hu. ये क्या हो गया, ये कैसा सा तुम लगा रखी हो? क्या भाई? ठीक है, तो इसको हमने लोड कर लिया. इफ यू कैन क्विकली सी, हमारे पास एज आ गया है, क्लेम्ड आ गया, क्लेम्ड इज बेसिकली नंबर ऑफ क्लेम्स, एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड द ड्यूरेशन. सिंस ड्यूरेशन इज व्हाट, ड्यूरेशन इज टेक्स द वैल्यू जीरो, नहीं, ड्यूरेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी, कब से एक्टिव है इन मंथ्स. Age of the policy holders and this takes a value of 0 if there is no claim, 1 if at least one claim is there. तो 1 का क्या मीनिंग है? 1 का मीनिंग ये नहीं है कि 1 claim, 1 का मीनिंग है claim हुआ है, 1 या 1 से ज्यादा claim हुआ है, that's what they mean. ठीक है, so basically ये जो p है, this p stands for probability of having a claim. नहीं है तो 0, that is what they have defined it as. And actually wishes to fit a different GLM to all the data, assuming that the number of policies with one or more submitted claims has a binomial distribution and the link function is a logit. ठीक है, so basically आप क्या model कर रहे हो, आप model कर रहे हो claims को, कि claim हुआ है या नहीं. It can either be a 0 or it can be a 1. 0-1 हो सकता है, तो ये obviously एक log, logit हो गया, logit regression, इसको हम लोग log लॉजिस्टिक्स बोल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं. सो बाइनोमियल एंड लिंक लॉजिट, एंड बाइनोमियल का लिंक इज लॉजिट बाय डिफॉल्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज टू फिट अ जीएलएम,
to the data with such p in such that p depends on age and report the estimated parameter value. So aapko khali age lena hai, aapko aur kuch nahi lena hai. You don't have to take duration basically, kyunki teen hi hai na. If you check this, you just have these three. So aapko khali age lene bola hai. So what's your dependent variable over here? Yes, bolo, what's your dependent variable? Claimed होगा ना, क्योंकि उसी का तो probability निकाल रहे हो. डेटा देने का जरूरत नहीं, इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर. फैमिली बस आपको मेंशन कर देना है, बाइनोमियल बाइनोमियल लिंक. बाय डिफॉल्ट इट्स लॉजिट ओनली, तो लिखने का जरूरत नहीं है. इफ यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. इसका समरी हम लोग रन कर देंगे. देखो तो ये आपका इंटरसेप्ट, ये आपका एज, दैट इज योर बीटा वैल्यू. ये आपका पी वैल्यू आ गया. पी वैल्यू इज लेस देन 5%, विच मीन्स दैट दिस इज सिग्निफिकेंट. एज इज सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग योर. सो आपको इन्होंने बोला है पैरामीटर वैल्यूज निकालने ऑफ द मॉडल. तो आप कैसे निकालोगे? दिस इज योर इंटरसेप्ट, तो आप ये मेंशन कर दोगे अलग से, ठीक है? इंटरसेप्ट लिख के ये देना ऐसा. एंड स्लोप एज, स्लोप एज इज दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, तो फिर मैं थर्ड पार्ट है. फिटर जीएलएम सच दैट पी डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन. सेम थिंग बट नाउ ओनली फॉर ड्यूरेशन. एंड उसका पैरामीटर वैल्यूज इन्होंने बताने बोला है. सो दिस विल चेंज टू ड्यूरेशन. इसको आप कर दो मॉडल टू, मॉडल टू देख लो. हाँ बोलो मैम. इस मैम पी को एसड्रॉट फैक्टर यूज करके ऐसा कैटेगोरिकली बनाएंगे? हाँ, इट्स नॉट एज फैक्टर. अच्छा गलत हो गया. एक चीज देखो, हमारा जो क्लेम है दैट नीड्स टू बी अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, बट बाय डिफॉल्ट इट्स इम्पोर्टेड एज एन इंटीजर. एक्चुअली पहले क्या होता था ना, पहले लाइक टू थ्री इयर्स बैक, टू इयर्स बैक इन फैक्ट, आपका जो ये आता था वो एज अ फैक्टर ही इम्पोर्ट होता था. बट अभी ये चेंज हो गया. आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट टू दिस, बट ठीक है चलो. हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेंज दिस. इसको ना एक काम करो ऑल ऑफ यू, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. इसको ना चेंज करो, क्लेम को एज डॉट फैक्टर ले लो. या तो आप अलग से बना सकते हो, यहाँ पे भी आप फैक्टर फंक्शन यूज कर सकते हो. अंदर यू कैन यूज अ फैक्टर फंक्शन हियर ऑल्सो, दैट वर्क्स आई गेस. देखो नहीं, बट आपके एस्टिमेट्स तो सेम आ रहे हैं. एक बार एज डॉट फैक्टर कर ही लेते हैं. चलो ड्यूरेशन एंड एज तो नहीं होगा, इन्होंने बाय डिफॉल्ट ले लिया एक्चुअली, मेरे को लगता है क्लेम्स को, इसीलिए नहीं आ रहा. लेट्स चेक एज डॉट फैक्टर करके. हाँ, दे टेक इट एज अ बाय डिफॉल्ट फीचर, तो हमें नहीं करने का जरूरत है. ठीक है, नहीं करना, दे हैव टेकन इट बाय डिफॉल्ट. मॉडल टू, मॉडल टू देख लो क्या आंसर आ रहा है. जस्ट पेस्ट इट, ठीक है ना, द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप. नेक्स्ट, एंड दोनों ही सिग्निफिकेंट है. कंपेयर द फिट इन पार्ट टू एंड थ्री यूजिंग एआईसी, यूजिंग डेवियंस एंड एआईसी. सो हम लोग सबसे पहले दोनों का अगर आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करना है, वी कैन डू दैट एज वेल. तो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो? मॉडल
टू डॉलर ए आई सी करके, आइदर यू यूज अ फंक्शन. द फंक्शन इज मॉडल वन एंड सेम वी डू फॉर मॉडल टू, देख लो ठीक है. एंड डेविन्स का भी या तो आप डॉलर करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या तो आप डेविन्स का फंक्शन यूज कर सकते हो. तो डेविन्स कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? दोनों कम होना चाहिए, डेविन्स भी कम होना चाहिए एंड ए आई सी भी कम होना चाहिए. सो वी कैन सी दैट ए आई सी इज लोअर फॉर मॉडल टू एंड डेविन्स इज लोअर फॉर मॉडल टू. सो बोथ ए आई सी एंड डेविन्स आर रेसिडुअल डेविन्स आर लोअर फॉर योर मॉडल टू. And so model 2 seems a better fit, meaning age, meaning duration seems a better predictor for the probability of claim rather than age. ठीक है? Clear? Any doubt, please mention the comments very nicely. आप लोग को बहुत ही आप हल्के में ले लेते हो, but comment is very very important. Fitter GLM such that P depends both on age and duration. तो अब same thing करना है, just that now age add कर देंगे या किसी में भी, any which way you can do. Age plus duration. This is my model 3. तो इसका भी आप लोग ऐसे copy paste कर देना estimates, and यहाँ पे भी again all three are significant, but आपका ड्यूरेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट्स मोर क्लोज टू जीरो, है ना. ऑल्दो दोनों ही सिग्निफिकेंट है, दिस इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल एज वेल एज, एंड दिस इज 0.1% पे भी. दिस इज ऑल्सो 0.9, दिस इज नॉट 0.1 पे नहीं है. ठीक है, आप लोग इसका स्लोप इंटरसेप्ट सब एक्सट्रैक्ट करके, स्लोप इसके दो हो गए, एक एज का स्लोप हो गया, एक ड्यूरेशन का स्लोप हो गया. ड्यूरेशन का देखो नेगेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंट ऑन विच ऑफ द थ्री मॉडल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफाइंग योर आंसर. सो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? यहां हमने ए आई सी और ये निकाला है, सेम हम लोग मॉडल 3 के लिए निकालेंगे. कृति प्लीज तुम रूम 2 में जाओ, इसको कर दो मॉडल 3 एंड इसको कर दो मॉडल 3. देखो नाउ यू टेल मी कौन सा बेटर है. ए आई सी के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज हुआ ना, ए आई सी आपका 952 था लोएस्ट, यहाँ पे 945 हो गया, तो ये और डिक्रीज हो गया मॉडल 3 का. एंड सिमिलरली रेसिडुअल डेविन्स 948 से 939 हो गया और डिक्रीज. सो बोथ ए आई सी एंड रेसिडुअल डेविन्स हैज गॉन डाउन. सो यूजिंग बोथ एज एंड ड्यूरेशन इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू जस्ट यूजिंग ड्यूरेशन और जस्ट यूजिंग एज. इसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन, एक बार सुन लो, बिटवीन जो ये आप जैसे आपको यूजली जब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गॉसियन फैमिली होता है, दे आस्क यू टू आल्सो एक्सप्लेन, बट यहाँ यूजली नहीं पूछेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में लॉग लॉजिस्टिक रिग्रेशन उतने डिटेल में नहीं है. इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर बिकॉज यहाँ पे आप कंपेयर करते हो विथ लॉग पी बाय 1 माइनस पी, तो उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. राइट, जो है बस इतना ही है. ओके, देख लो, एनी डाउट सो फार, देन वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. टेल मी बॉयज एंड गर्ल्स, थर्ड क्वेश्चन, सिंस यू गाइस डोंट हैव एनी डाउट.
द फाइल इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, कंसिस्ट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ हाइट ऑफ मदर्स फादर्स एंड डॉटर्स इन इंचेस. फादर मदर एंड डॉटर तीनों का हाइट दिया है. कंट्रोल शिफ्ट सी. देखो आ गया, देयर आर 20 ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट पार्ट ड्रॉ स्कैटर प्लॉट फॉर ईच पेयर ऑफ डेटा. तो हम लोग को तीनों का तीनों के साथ चाहिए, सो वील जस्ट यूज अ प्लॉट फंक्शन. उसमें हम लोग पूरा डेटा फ्रेम डाल देंगे हाइट्स का. टाइटल दे देना स्कैटर प्लॉट ऑफ हाइट ऑफ मदर डॉटर एंड फादर. देख लो प्लीज गिव अ नाइस टाइटल ऑल ऑफ यू. Next is comment on the relationship between the pairs of data by referring to the plots. Isko karo ek bar, I'll just come back in a second.
हुआ यहां तक? नेक्स्ट में बताओ क्या कमेंट करना है ऑन द रिलेशनशिप, क्या लग रहा है देख के? डॉटर का हाइट इज पॉजिटिवली रिलेटेड समवॉट टू मदर्स हाइट. अगर आप देखो थोड़ा नीचे में ऐसे स्कैटर्ड है, बट आफ्टर ये आपको एक लीनियर शेप दिख रहा है ना? बट सेम थिंग इफ यू सी बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, तो वहां थोड़ा वीक रिलेशनशिप है क्योंकि काफी स्कैटर्ड है. सो मदर एंड डॉटर में यू सी अ स्ट्रॉन्ग अ पॉजिटिव विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट समवॉट स्ट्रॉन्गर. बट फादर एंड फीमेल का, फादर एंड डॉटर का काफी वीक है, विच इज वॉट वी सी ऑल्सो ना. इन जनरल भी वैसा ही होता है, यूजली डॉटर्स का हाइट मदर्स के जैसा होता है यूजली. देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड फादर व्हाटसो एवर, बिकॉज ऑब्वियसली कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं वैसा, ठीक है ना? तो ये आप लोग को खाली डॉटर का मत बोल देना दोनों के साथ, आपको मदर एंड फादर का भी बताना है ना? मैम, नेक्स्ट, हाँ अगर बोलो. अगर और भी मतलब पैरामीटर्स होते हैं तो सबका सबके साथ सबका सबके साथ बताओ. बताना होगा ऑब्वियसली. अगर कुछ नहीं बोला, जैसे एक क्वेश्चन में हमने क्या था वहां एक्सप्लिसिटली बोला था, या कल कौन सा क्या था हमने, करंट सैलरी रिमेम्बर, उसके साथ बताओ बाकी सबका. बट यहाँ कुछ नहीं बोला तो आप सबका सबके साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज असेस फिट अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विद द डॉटर्स हाइट एज द रिस्पॉन्स वेरिएबल, मदर्स एंड फादर्स हाइट एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. योर आंसर शुड शो अ समरी ऑफ आउटपुट एंड द फिटेड इक्वेशन. तो फिट अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विद द डॉटर्स हाइट एज रिस्पॉन्स, तो क्या करेंगे? LM फंक्शन यूज करेंगे. वेरी सिंपल करो. चलो मॉडल 1 LM, डॉटर्स हाइट टिल्ट, एंड दोनों का यूज करने बोला है. सो मदर प्लस फादर, ठीक है? इसका समरी रन कर दो. देखो कुछ एक्सट्रैक्ट करने बोला नहीं है अलग से. आउटपुट ऑफ द फिटेड इक्वेशन, अच्छा आउटपुट ऑफ द फिटेड इक्वेशन बोल दिया, तो आप लोग को अलग से फिटेड इक्वेशन बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे एक बार देख लो. वाई हैट इक्वल्स, एक बार देख लो प्लीज, वाई हैट इक्वल्स दिस प्लस दिस इनटू मदर्स हाइट प्लस दिस इनटू फादर्स हाइट. ये पूरा लिखना है. इसका पता है 2 मार्क्स है. आप लोग ना बहुत ब्लैंकली करके आते हो. CS1 इज वेरी इजी पेपर, भी अबव 85 मिनिमम आना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग पास पेपर्स. तो जब ही बोल दिया है समरी ऑफ द आउटपुट, तो वो हमने कर दिया. प्लस फिटेड इक्वेशन विल अगेन गिव यू अनदर 2 मार्क्स. सो प्लीज प्लीज यू हैव टू पुट दैट 2 मार्क्स. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज. एक एक मार्क से लोग पास फेल होते हैं. असेस द इफेक्ट ऑफ ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय रेफरिंग टू द आर आउटपुट. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं. तो आप लोग पहले तो ये देखोगे कि मदर्स हाइट इज, जो स्लोप है वो 0.7 है, वेरी हाई पॉजिटिव फिगर. मतलब जितना ज्यादा मदर्स हाइट होगा उतना ज्यादा डॉटर का, जितना कम मदर का उतना कम डॉटर का. वेर इज देर इज अ हाई पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मदर्स हाइट ऑन डॉटर्स हाइट. द पी वैल्यू इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. दिस इज 0. आई डोंट नो. हाँ देखो ये एक्चुअली थोड़ा ऐसा हो गया ना, इसीलिए नहीं समझ आ रहा. ये देखो स्टार मार्क दिख रहा है. सो दिस इज 0.00004, तो इट इज सिग्निफिकेंट. सिमिलरली फादर्स हाइट का हम लोग ये देख रहे हैं विच इज वेरी वीक 0.16, एंड ऑल्सो द पी वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट. इट इज ग्रेटर देन 5%. सो द इफेक्ट ऑफ फादर्स हाइट इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन डॉटर्स हाइट. चलो नेक्स्ट. प्लॉट द रेसिडुअल्स ऑफ द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ ग्राफ दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर चेकिंग इफ द एस्टिमेटेड एरर्स आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. कौन सा प्लॉट करेंगे? प्लॉट कौन सा करेंगे? हाँ रेसिडुअल्स को फिटेड वैल्यूज के साथ प्लॉट करना है. 1 1 वाला, वेरी गुड प्लॉट.
मॉडल 1, 1 ये वाला प्लॉट करना है, या फिर आप सिंपली खाली रेसिडुअल्स को भी प्लॉट कर सकते हो यूजिंग प्लॉट फंक्शन, जहां पे आप लोग लिखोगे प्लॉट रेसिडुअल्स कॉमा मतलब फिटेड वैल्यूज मॉडल 1 फिटेड वैल्यूज मॉडल 1 रेसिडुअल्स, वैसे भी आप प्लॉट कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग कमेंट ऑन द फिट. हाँ बोलो. मैम, यहाँ पर रेसिडुअल्स वर्सेस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं होना चाहिए था? नहीं, ग्राफ दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर चेकिंग इफ द इंडिपेंडेंस के लिए एरर्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को जब आप प्लॉट करते हो आप उससे कुछ कंपेयर नहीं करते हो, आप एरर्स एंड फिटेड वैल्यूज को प्लॉट करते हो एंड फिर आप कंपेयर करते हो कि आपका जो वेरियंस है वो कांस्टेंट है कि क्या है. तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आपको क्या लग रहा है, मेरे को तो एक डाउटफुल लग रहा है कि आपका कांस्टेंट है कि नहीं वेरियंस, बिकॉज एज वी कैन सी कि समवेयर अराउंड हियर 62 इधर पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको वेरियंस लो दिख रहा है एंड इधर काफी हाई, मतलब एक्चुअल में इधर वेरियंस काफी हाई है बिकॉज द वैल्यूज आर हाई, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटलायर्स भी हैं. ऑल्दो द एरर्स आर अराउंड जीरो बट वी कैन सी सम लार्ज डेविएशंस, जैसे ये 19 का, ये 1 का, ये 17 नंबर का, तो ये सारे डेविएशंस हैं. एंड डेविएशन ज्यादा किस तरफ में है, पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स खाली नीचे है, बाकी सारे डॉट्स ऊपर हैं, पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है. सो हो सकता है आपने पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होने का क्या मतलब है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करते हैं ना, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करने से आपका एरर आता है एंड दैट एरर इज पॉजिटिव, एंड इफ दैट एरर इज पॉजिटिव व्हाट डू यू व्हाट इट मींस इज दैट आपका अंडर एस्टिमेट किया आपने अपने एक्चुअल डेटा को. करेक्ट है? तो आप लोगों को खाली बोले देयर सीम्स अ डाउट ऑन द कांस्टेंट वेरिएंस बिकॉज ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज फिर टुवर्ड्स डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहे हैं एंड देन देर आर ऑलमोस्ट स्कैटर्ड अराउंड जीरो बट यू सी मोर पॉजिटिव डिविएशंस देन नेगेटिव डिविएशंस. ठीक है, सो नेक्स्ट आप बोलोगे कमेंट ऑन द फिट हमने कर दिया. अ सजेशन, कभी भी जब आप ये इंडिपेंडेंस चेक करो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सप्लेनेटरी के साथ प्लॉट करोगे. देर आर टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा फिटेड के साथ प्लॉट करके या फिर खाली क्यू क्यू प्लॉट बना के फिर आप कंपेयर करते हो रेसिडुअल्स को, जो हमने सिलेबस में किया है. आप एट दी एंड इंडिपेंडेंस चेक करो, अगर आपका एरर टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट अमंग देमसेल्व्स एंड बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर देन योर मॉडल इज नॉट गुड. ठीक है, आप वो चेक करते हो यूजिंग दीज फिगर ग्राफ्स. अ सजेशन इज मेड दैट व्हेन द मदर्स हाइट इज 61, फादर्स हाइट 63, डॉटर हाइट शुड बी 67. कमेंट ऑन वेदर दिस क्लेम इज लाइकली बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट 95 प्रिडिक्टिव इंटरवल ऑफ द डॉटर्स हाइट बेस्ड ऑन द फिटेड मॉडल. प्रिडिक्टिव इंटरवल कैसे निकालते हैं, प्रिडिक्शन इंटरवल है बेसिकली, यूजिंग प्रिडिक्ट फंक्शन. वेरी गुड, प्रिडिक्ट फंक्शन. तो एक काम करो, सबसे पहले तो हम लोग एक न्यू डेटा बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते हैं. सो न्यू डेटा विल बी अ डेटा फ्रेम, ठीक है, जहां पे आप मदर्स हाइट ले लेंगे इक्वल्स टू 61 एंड फादर्स हाइट आप ले लोगे 67.5. ठीक है, एंड देन व्हाट प्रिडिक्ट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, प्रिडिक्ट डॉट एल एम में जाना, आपको बेटर आंसर मिलेगा. सो प्रिडिक्ट, एक्चुअली प्रिडिक्ट फंक्शन ना बहुत सारे जगह पे हम यूज करते हैं, तो इसीलिए प्रिडिक्ट डॉट एल एम विल गिव यू एग्जैक्टली लीनियर मॉडल के लिए हम लोग कौन सा प्रिडिक्ट यूज करते हैं. ठीक है, आपका फंक्शन प्रिडिक्ट ही है बट वेन यू राइट लाइक दिस ना इन योर हेल्प टैब इट हेल्प्स. दिस इज प्रिडिक्ट फंक्शन ना हम टाइम सीरीज में भी यूज करते हैं वेन वी डू CS2, तो वहां पे हम लोग .ar.arima ये यूज करते हैं. प्रिडिक्ट आप GLM में भी यूज करते हो, प्रिडिक्ट आप LM में भी यूज करते हो.
आप ये दोनों यूज करते हो, तो आप पहले पे जाओगे आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट में हम डाल देंगे, ऑब्जेक्ट में क्या डालेगा, जो हमारा मॉडल हमने क्रिएट किया है मॉडल वन, न्यू डेटा डल जाएगा यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है, न्यू डेटा इज न्यू डेटा। एंड आपका लेवल इज 95, तो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। इंटरवल में नन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एंड प्रिडिक्शन होता है, कौन सा करना है हमें? प्रेडिक्शन प्रिडिक्शन करना है, क्योंकि आई थिंक दे हैव एक्सप्लेन्ड इट मे बी। कॉन्फिडेंस कब यूज करते हैं? जब आपको मीन का निकालना होता है, आपको मीन रिस्पॉन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है, बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का निकालना है। आपको इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस इंटरवल जब निकालना होता है तो हम प्रिडिक्शन यूज करते हैं इंटरवल में। अच्छा, इसका 67 था, 63 था, ये चेंज कर देते हैं। सो सी, दिस गिव्स यू द आंसर। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सो 95 प्रिडिक्शन इंटरवल आप लोग ऐसे लिखोगे, द 95% प्रिडिक्शन इंटरवल इज, एंड यू राइट दिस। सो आर यू गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 67.5 बिटवीन दिस? नो। सो वी कैन से दैट द डॉटर्स हाइट ऑफ 67.5 इंचेस इज नॉट लाइकली बेस्ड ऑन द मॉडल अंडर 95% कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करें। क्लियर? बोलो। क्वेश्चन नंबर फोर। द टेबल बिलो शोज द टोटल क्लेम अमाउंट्स पर ईयर एक्स आई जे ओवर द 5 ईयर पीरियड फॉर 5 इंश्योरेंस कंपनीज क्रिटिकल इलनेस बुक ऑफ बिजनेस। तो ये आपके 5 कंपनीज हैं, एंड वी हैव द योर्स, दिस इज द टोटल क्लेम। द डेटा कैन बी एंटर्ड इन टू अ मेट्रिक्स यूजिंग दिस फंक्शन। सो जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट एंड वी कैन ऑब्वियसली रन दिस एंड चेक। ठीक है, ये आ रहे हैं टोटल क्लेम्स। कैलकुलेट एबीसीटी मॉडल वन द फॉलोइंग। तो कल हमने एबीसीटी मॉडल टू किया था, आज हम एबीसीटी मॉडल वन करेंगे। एक्सट्रीमली इजी। कैसे करेंगे बताओ? टेबल बुक पेज 30 या 29 ऐसा कुछ है। इसके ना 3 अलग पार्ट्स है, सो मेक श्योर यू डू प्रॉपर मार्किंग। 1A जैसे लिखा, तो इसमें ई एम थीटा निकालने बोला है। सो ये आपके दिए हुए हैं, एम इज वॉट, मीन ऑफ वॉट, इसमें सबसे पहले तो एन भी आप ले सकते हो, जैसे स्मॉल एन कैपिटल एन होते हैं। ईबीसीटी मॉडल वन में हम खाली स्मॉल एन लेते हैं, विच इज नंबर ऑफ
योर्स, आप कैपिटल भी लेते हो वैसे तो, ठीक है। तो बोलो इसमें क्या होगा, एम इज व्हाट, सबका रो मीन, एक्सेप्ट रो मीन का मीन, आइडियली जैसा होता है वैसे लिखो ना आप रो, आप वैसे भी कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग ओनली, बट रो मीन का मीन होता है आइडियली। देख लो आंसर, ठीक है। 3383.2। देन नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी इज वेरियंस एम थीटा, विच इज व्हाट, रो मीन्स, मीन हाँ बोलो, ऑफ रो मतलब वही बोल रही थी, अप्लाई वाला फंक्शन यूज करेगा। हमने किया है ये चीज क्लास में। सो ये जो रो मीन है उसका पहले तो वेरियंस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट वेरियंस ऑफ एम थीटा है ना, तो जो रो मीन्स है उसका वेरियंस निकाल लेंगे। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, उसमें से क्या माइनस करते हैं, 1/n टाइम्स ऑफ m, वन क्या क्या बोला, बाय स्मॉल n। एम बाय स्मॉल एन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप वेरियंस किसका ले रहे हो, रो वाइज वेरियंस ले रहे हो, उसका मीन बाय एन करेंगे, वैसे ही तो निकालेंगे ना। तो इसमें हम जैसे बोला किसी ने, अभी हम अप्लाई फंक्शन यूज करते हैं। दोज हू डोंट रिमेम्बर दिस प्लीज, यू नीड टू रिवाइज इवन द इजी चैप्टर्स, क्योंकि वहीं पे आप देखो आप गड़बड़ कर रहे हो, आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। रो मीन्स, तो रो मीन्स आ गया, उसका वेरियंस ले लिया। दिस माइनस हम क्या करते हैं, मीन ऑफ वेरियंस, जैसे ये इसका वेरियंस, इसका वेरियंस, इंडिविजुअली रोज का वेरियंस निकाला, उसका मीन लेंगे। तो अप्लाई फंक्शन यूज करना होगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल, जैसे रो मीन्स होते हैं वैसे रो वेरियंस नहीं होता है। द फंक्शन रो मीन्स इज रो वाइज मीन्स, बट रो वेरियंस बोल के कुछ नहीं है। सो वी नीड टू यूज एन अप्लाई फंक्शन, जहां पे हम ये मेट्रिक्स डालेंगे एंड हमें रो वाइज जाना है, इसीलिए मार्जिन हो जाएगा हमारा 1 1, इंडिकेट्स अ रो, तो ये हो जाएगा हमारा 1। एंड हमें फंक्शन में क्या निकालना है, फंक्शन में हमें वेरियंस निकालना है, एंड दिस एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ कॉलम्स, विच इज सेम इन दिस केस। देख लो आंसर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा, विच इज व्हाट, विच इज दिस पार्ट एक्चुअली, है ना, आपके वेरियंस का मीन। तो रो वाइज वेरियंस, रो वाइज वेरियंस ऐसे निकालते हैं, उसका मीन, बस हो गया। मैच योर आंसर्स,
Calculate the expected claim amount for company E using your answers from part 1. कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग जेड निकालेंगे. क्रेडिबिलिटी. यस मैम. जेड इनटू रो मीन्स ऑफ क्लेम्स इनटू वन माइनस जीरो वन. वेरी गुड, वेरी गुड. जेड का फॉर्मूला n by n plus वो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर बाय वेरिएंस ऑफ m थीटा. मतलब s बाय v. यस मैम, यस मैम. देख लो ये आपका z है और फिर कैसे निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे z को? मैम रो मीन्स ऑफ क्लेम से. रो मीन्स ऑफ क्लेम से फिर प्लस वन माइनस जेड ऑफ एम से. मैम जो हमारा आया था एम, जो हमारा आया था. तो एस्टिमेटेड क्लेम अमाउंट फॉर कंपनी ई क्या हो गया आपका? ये वाला वैल्यू हो गया क्योंकि ये कंपनी ए बी सी डी ई, तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, रैंडमली आंसर नहीं छोड़ सकते. कंपनी ए का आपको बताना पड़ेगा अलग से कि एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट फॉर कंपनी ई इज दिस मच. द टेबल बिलो शोज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. पी आई जे दिया हुआ है ओवर अ 5 ईयर पीरियड, तो ये सब वॉल्यूम्स दिए हुए हैं. इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे दोबारा टू गेट द वॉल्यूम. नेक्स्ट बोला है अब बीबीसीटी मॉडल 2 में करना है ये. तो कल जो हमने किया आप लोग सेम चीज करोगे. कैन यू ऑल डू दिस ऑन योर ओन? हमने स्मॉल एन कैपिटल एन निकाला एंड देन उसके बाद एक्स निकाला था विच इज क्लेम्स बाय वॉल्यूम. फिर हमने आई जस्ट क्विकली शो यू यस्टरडे वी डिड द सेम एग्जैक्ट इन सेप्टेम्बर 2021 सॉरी सेप्टेम्बर 2022 के पेपर में हमने एग्जैक्टली सेम चीज किया है. सो देखो तो दिस पार्ट ठीक है. एक्स आई बार निकाल लिया, पी आई पी पी स्टार एम टू आ गया विच इज बेसिकली योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा है ना. फिर वेरियंस निकाल लिया सेम तरीके से एंड सेम तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा निकाल लिया. ऑल राइट. देन अगेन दे विल आस्क टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट फॉर कंपनी ई. तो जेड निकालेंगे इधर वापस यूजिंग योर आंसर इन पार्ट 3 अज्यूमिंग द नंबर ऑफ. सो जेड निकालेंगे सबसे पहले, फिर जेड के आपके 5 वैल्यूज आ जाएंगे. जो लास्ट वाला वैल्यू है दैट यू विल टेक एंड उसको यूज करके इनटू हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई बार प्लस वन माइनस जेड आई इंटू एम टू, जो ये वाला एम हमने निकाला है. देख लो आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज कल हमने सेम सम किया है ठीक है. तो ये वाला जेड लोगे आप एंड मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अगेन वील टेक द लास्ट फिगर एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हम लोग को एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लेम्स दिया हुआ है 130 से टू गेट द क्लेम अमाउंट विच इज दिस. अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स.
पहले मॉडल में आपका आंसर आ रहा था व्हाट वो 2090, एंड इस वाले मॉडल में, मॉडल टू में आपका आंसर आ रहा है 1136. सो मॉडल टू गिव्स यू अ लोअर आंसर कंपेयर टू मॉडल वन. तो ये पहले बोल देना है कि द क्लेम अमाउंट इन मॉडल टू इज लोअर फॉर कंपनी ई देन कंपेयर टू मॉडल वन. वाई इज दिस? बिकॉज मॉडल टू में हम क्या एडिशनल अकाउंट लेते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स. एंड अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्लेम्स कैसे डिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन. वहां पे आप कोई भी क्लेम अमाउंट कंसिडर नहीं करते हो, बट यहाँ पे आप क्लेम अमाउंट सॉरी यहाँ वहां पे आप नंबर ऑफ क्लेम्स नहीं कंसिडर करते हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्लेम्स कंसिडर करते हो. एंड नंबर ऑफ क्लेम्स फॉर कंपनी ई ओवर द इयर्स आर गोइंग डाउन. सो सिंस इट्स गोइंग डाउन, ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट कि आपका आगे भी और कम होगा, एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ लोअर क्लेम अमाउंट. ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो क्लियर और नॉट, मैम कमेंट रिपीट कर दीजिए। कि आपके जो नंबर ऑफ क्लेम्स हैं दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मॉडल वन. मॉडल टू का आंसर छोटा क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर हम देखें नंबर ऑफ क्लेम्स आर गोइंग डाउन फॉर कंपनी ई ओवर द इयर्स, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि और कम होंगे ना, तो आपका क्लेम अमाउंट इसीलिए फॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप क्लेम नंबर्स भी कंसिडर कर रहे हो, वहां पे आपने क्लेम नंबर्स कंसिडर नहीं किया है. ठीक है, सो लेट्स डू इट टिल हियर. आई विल